हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 12th के लिए। डिस्कस कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक से, यानी कि इससे पहले के जो टॉपिक्स है जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलम्स लॉ के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज आ चुकी हैं, तो वो वीडियो आप या तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर मैं उनका डिस्क्रिप्शन आपको उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक को। तो थोड़ा सा मैं पुरानी वीडियो से इस वीडियो को लिंक कर देता हूं। देखो वहां हमने क्या देखा था, जब भी अपन के दो चार्जेस रखे जाते थे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अट्रैक्टिव फोर्स लगती थी, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स लगती थी। लेकिन वहां एक सवाल ये उठता है कि उनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, उनके बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है तो फोर्स कैसे लग रही है। दूसरा पॉइंट हमारे मन में ये आ रहा था कि आपने देखा था जैसे पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक लिमिट तक ही फोर्स लग सकती थी। देखिए जैसे कि यहां रखा है तो फोर्स लग रही है, यहां रखा है तो फोर्स लग रही है, यहां रखा है तो फोर्स लग रही है, लेकिन अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड गए आप तो फोर्स नहीं लग रही। तो ऐसा क्या है कि इस बीच में लग रही है और इसके बाद नहीं लग रही, तो वो था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इवन विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन देम। यानी ये देखा गया कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है बिटवीन टू चार्जेस। आगे बोला है विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, यानी उनके बीच में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होता। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द नेचर ऑफ दिस एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट डिस्टेंस क्यों बोला है, एक दूरी पर से फोर्स लग रही है, ठीक है। द नेचर ऑफ दिस एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स कैन बी अंडरस्टूड बाय इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आप इस वाली फोर्स का, कौन सी फोर्स का, एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो वो आपको कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगा। इसलिए हम क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। एक बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पढ़ रहे हैं। आगे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि जैसे आपका एक क्यू पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन लगे हुए हैं, इसे बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, जहां से कि फोर्स अप्लाई हो रही है, जहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जहां से कि इलेक्ट्रिक रीजन बन रहा है। क्लियर है मेरे भाई, तो सोर्स चार्ज हो गया। एक होता है आपका पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमारा वो चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज होता है क्यू नॉट, जिस पर कि हम फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो क्लियर हो गया, एक चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, किस पर कर रहा है, वो होता है टेस्ट चार्ज, वो होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल चार्ज। क्लियर है, तो क्यू नॉट हो गया टेस्ट चार्ज, इस पर फोर्स लग रही है और ये पॉइंट है पी। कितनी फोर्स लग रही है, एफ फोर्स लग रही है। क्लियर है, अब आप कहोगे सर इस डायरेक्शन में क्यों लग रही है, क्योंकि ध्यान से समझना, क्यू कैसा है पॉजिटिव चार्ज, ये भी कैसा है क्यू नॉट, पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसीलिए फोर्स कहां लग रही है, इस साइड लग रही है। क्लियर हुई बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि अपन को क्या समझना है, एक्शन एट डिस्टेंस फोर्स, जो कि किसके बीच में लग रही है, दो चार्जेस के बीच में लग रही है। दो चार्जेस कौन है, एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इट इज एज्यूम्ड दैट द चार्ज क्यू प्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट इन द सराउंडिंग स्पेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो ये क्यू चार्ज था, जो कि ये वाला था, ये क्यू चार्ज था, ये अपने आसपास एक स्पेस क्रिएट करेगा, एक एनवायरमेंट क्रिएट करेगा, उसी एनवायरमेंट या उसी स्पेस को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। तो क्लियर है, यहां पर मेंशन किया, इट इज अज्यूम्ड दैट, माना गया कि भाई चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट इन द सराउंडिंग स्पेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के आसपास का वो स्पेस है, वो एक इलेक्ट्रिक एनवायरमेंट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल डेफिनेशन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंशन कहां कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर,
इफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑरिजिन इज एग्जर्टेड ऑन अ स्टेशनरी चार्ज बॉडी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा किसी भी पॉइंट पर अगर उस पॉइंट पर किसी चार्ज को रखने की वजह से उस पर फोर्स लगने लगे तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? जैसे यहां पे हमने चार्ज को रखा, भैया फोर्स लगेगी, यहां चार्ज को रखा फोर्स लगेगी। तो जिस पॉइंट पर किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने पर वहां फोर्स एक्सपीरियंस हो, किसकी वजह से? एक सोर्स चार्ज की वजह से। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर या इन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल क्लियर है? अगर मान लो ये एक पॉइंट है, यहां पर हमने चार्ज को रखा, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुई, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बिल्कुल क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट पर या नहीं, ये बात क्लियर इस बात से होती है कि उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखो, अगर वो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, मे बी रिपल्सिव मे बी अट्रैक्टिव, देन वी कैन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटेटिवली का मीनिंग क्या है? अभी तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, उसमें फोर्स लगे, लेकिन कितनी फोर्स लगे? फोर्स कम भी हो सकती है, फोर्स ज्यादा भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा भी हो सकती है। तो क्वांटिटेटिवली बात की जाएगी, यानी कि मेजर करो, क्या करो, कैलकुलेट करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हाउ मच, कम या ज्यादा। क्लियर है? तो क्वांटिटेटिवली डेफिनेशन आते, तो क्वांटिटेटिवली जब भी वर्ड आता है मीनिंग है क्वांटिटी, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, बताओ क्वांटिटी कम या ज्यादा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड और द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तीन नाम बोले, ध्यान से समझ लो, द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तीनों का मीनिंग सेम है, ई वेक्टर से डिनोट किया है। एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजिशन ऑफ द सोर्स चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि ये सोर्स चार्ज है क्यू, ठीक है, हमने पढ़ा था किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एग्जिस्ट करेगा, जितना यहां पर फोर्स लग रहा होगा पर यूनिट चार्ज, क्यू नॉट। यानी कि कहने का मतलब है, फिर से बता देता हूं, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई, यानी इसे ई वेक्टर से नोट कर दिया सबको, ठीक है। तो एक बार आपको यहां पर समझा देता हूं रफ करके। अब देखो ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को किससे दिखाया है इन्होंने, ई वेक्टर, किससे दिखाया है, ई वेक्टर। ई वेक्टर क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लो, या फिर आप इसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह लो, या इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, कितना होगा, क्वांटिटेटिवली बात करो, क्या करो, क्वांटिटेटिवली बात करो, क्वांटिटी में बताओ कितना होगा। तो क्वांटिटी में उन्होंने बोला कि मान लो ये क्यू चार्ज है, ठीक है, इसके वजह से यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सा, ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या था कि इस चार्ज पे अगर, इस पॉइंट पर अगर आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखोगे जैसे कि क्यू नॉट, तो इस पर फोर्स लगेगी, अगर फोर्स लगेगी तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, अगर फोर्स नहीं लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। अब एक बात बताओ, इस वाले पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज को रखा, तो क्वांटिटेटिवली ये बोल रहे हैं कि जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस भी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू, ठीक है, और ये पॉइंट है एस, जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो मैं एस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो क्या करना है, इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखो क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखो, मतलब क्या है, स्मॉल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और वो यूनिट चार्ज होना चाहिए, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखो, जितना भी यहां फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जितना भी यहां फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है भाई, अब समझते हैं। अब मान लो कि आपका इस वाले पॉइंट पर एफ फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, एफ फोर्स, चार्ज कितना है, मैंने मान लिया क्यू चार्ज है, क्या बोला, क्यू पॉजिटिव चार्ज है, एफ फोर्स लगा, यहां तक कोई दिक्कत,
किसी भी पॉइंट पर आपने चार्ज रखा, क्यों रखा? क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई यूनिटी रखना था, आपने रख दिया कोई भी चार्ज रख दिया। आपने जब चार्ज रखा, आपने देखा सोर्स चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है रिपल्सिव, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, आप बिल्कुल ठीक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे क्वांटिटेटिवली? तो उन्होंने कहा इस पॉइंट पर आपने चार्ज रखा, वो रिपेल हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आप वहां पर मान के चलो कि आपने टेस्ट चार्ज रखा, वो भी यूनिट पॉजिटिव। तो अगर क्यू चार्ज एफ फोर्स लगाता है, क्यू चार्ज पर एफ फोर्स लगती है, तो यूनिट चार्ज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यू का डिवाइड, जितना भी चार्ज है, ठीक है, एफ अपॉन क्यू, तो क्या बन गया? एफ अपॉन क्यू। और वहां पर क्या होता है? क्यू नॉट, तो क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या बन गया? एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। आपका क्यू नॉट टेस्ट चार्ज था, ठीक है, तो क्यू नॉट चार्ज में कितनी फोर्स लग रही थी एफ, तो यूनिट में कितनी लगेगी? एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है मेरे भाई? अब भी समझ नहीं आया हो ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक और नई वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ समझ आ गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो क्वांटिटेटिवली इन्होंने यही बोला था, इस वाली बात को इससे रिलेट करना। देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओके और द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई वेक्टर एट अ पॉइंट एस पॉइंट पर इज डिफाइंड एज द, डिफाइंड होगा कैसे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, क्या बोला? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई किसके द्वारा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट उस पॉइंट पर जब रखा गया, placed at that point without disturbing the position of source charge. इस बात का मीनिंग क्या है? Without disturbing the position of source charge, मतलब कि आपका source charge है Q, test charge है Q not. इसका electric field है, तो आपके मन में एक बात नहीं आएगी कि इसका भी तो electric field होगा भाई, अगर ये charge है तो charge तो ये भी है। तो इन्होंने कहा इसका electric field मान के चलो है नहीं, इसका electric field इस तरीके से behave करो कि ये इसको disturb ना करे, ठीक है। Q not किसका disturb ना करे? Q charge को। क्यू नॉट है, आपके मन में क्या आएगा कि भाई जब क्यू चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है, एक रीजन बनाया, तो क्या क्यू नॉट चार्ज नहीं बनाएगा? अगर क्यू नॉट चार्ज बनाएगा तो ये भी तो इसे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करेगा। तो उन्होंने बोला कि क्यू नॉट चार्ज, क्यू चार्ज यानी कि जो सोर्स चार्ज है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और डिस्टर्ब नहीं करेगा इसका मतलब क्या है कि क्यू नॉट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान के ही नहीं चल रहे। हालांकि होगा, थोड़ा होगा, छोटा होगा, कम होगा, लेकिन होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो आपको समझ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये आ गया क्वांटिटी, जब देखना है कितना है, फोर्स बढ़ा दो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ा दो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, क्योंकि वो भी तो फिर जैसे जैसे बड़ा होगा। अब ऐसे समझना कि चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम हो रहा है? आपका एक सोर्स चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, अगर ये छोटा सा चार्ज है तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा तो जो चाहो उसके साथ कर लो भाई, ये तो बहुत छोटा सा ही है। अब मान लो ये होता गया बड़ा, क्या होता गया? बड़ा। अब ये भी चार्ज बड़ा, ये भी चार्ज बड़ा, भैया ये बनाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बनाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, अब लगाओ फोर्स, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगी, फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो समझ रहे हो ना? इसीलिए मान के चलना है कि एक को तो फ्री छोड़ो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करो, एक को बहुत छोटा सा रखो। तो इसीलिए मैंने बोला कि क्यू नॉट बहुत ही छोटा सा चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर है मेरे भाई? अगर अभी समझ नहीं आया हो तो क्या करना है, क्या करना है जो मन में आए वो करो भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और क्या करोगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या आ गया? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, एफ अपॉन क्यू नॉट, जो कि मैं पहले बता चुका था। आगे बढ़ते हैं। देयर इज डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द अबव इक्वेशन। अब इन्हें इधर भी डिफिकल्टी होने लगी, इधर इन्हें एक डिफिकल्टी होने लगी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने में एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या आ रही है? कि क्यू नॉट चार्ज हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, नहीं मानना कोई, क्योंकि आपने तो ये बोला ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या पता वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो इन्होंने बोला कि देयर इज डिफिकल्टी इन डिफाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द अबव इक्वेशन, द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मे डिस्टर्ब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोर्स चार्ज। यानी इन्होंने बोला कि जो ये क्यू नॉट चार्ज है ना आपका, भले ही छोटा सा है, मे बी शायद क्या कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है किसको? सोर्स चार्ज को। फिर से समझा देता हूं, ये मान लो क्यू चार्ज है,
ये है आपका सोर्स चार्ज। क्या है आपका? सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज मीनिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास रीजन में। मान लो इस पॉइंट पे बात हो रही है, पी पॉइंट पर, यहां पर रखा क्यू नॉट। तो बात आती है कि भैया ये है टेस्ट चार्ज, वैसे तो ये है टेस्ट चार्ज, लेकिन ये भी तो अपने आसपास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उन्होंने क्या कहा? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो क्या होगा? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, ये इसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो उन्होंने कहा यही तो डिफिकल्टी आ रही है कि क्यू नॉट मे डिस्टर्ब द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोर्स चार्ज। यानी कि जो क्यू नॉट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, वो भी तो डिस्टर्ब कर सकता है सोर्स चार्ज को। तो उन्होंने कहा क्या करें फिर आगे? तो उन्होंने बोला भाई एक काम करो, द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट मस्ट बी स्मॉल इनफ। यानी टेस्ट चार्ज तो बोल दिया, उसे इतना छोटा रखो स्मॉल इनफ सो दैट इट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ ई। यानी कि अपने इस चार्ज को, किस चार्ज को? टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को आप इतना छोटा रखो कि वो क्या करे, सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे, उसको इन्फ्लुएंस ना करे, ठीक है, उसकी वैल्यू में वेरिएशन ना लेकर आए, ठीक है। तो उन्होंने कहा उसके लिए क्या करें, इट इज बेटर टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज एज फॉलोज। यानी कि सबसे बढ़िया तरीका है एक काम करो, अब क्या काम करो वो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। तो यानी ये कहा ये तो ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, लेकिन यहां दिक्कत आ रही है ये क्यू नॉट चार्ज भी तो भैया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके डिस्टर्ब कर सकता है। तो उन्होंने कहा बेस्ट वे क्या है, वो है इन्होंने कहा कि एक काम करो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज। अब इन्होंने एक नई डेफिनेशन दिया, ध्यान से समझना, डेफिनेशन भैया थोड़ा सा चेंज किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर डिफाइन किया जाएगा, कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आप कहोगे ये तो पहले भी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, आगे सुनो थोड़ा सा चेंज है, ऑन अ वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये वर्ड लगा दिया वैनिशिंगली स्मॉल, मतलब बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा, ठीक है। अब बहुत छोटा सा कर दिया, वैनिशिंगली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी पहले बोलते थे टेस्ट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज रखो, अब कह रहा है नहीं भैया टेस्ट चार्ज हो लेकिन बहुत छोटा हो, ठीक है, ताकि इन्फ्लुएंस ना करे उस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इन्होंने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज तो आपने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इन्होंने कहा लिमिट लगा दो, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है कि क्यू नॉट इतना छोटा है कि क्या है, जीरो के आसपास। Q not tends to zero का मतलब क्या है? Q not इतना छोटा है कि इसे आप जीरो मान सकते हो, ठीक है। तो लिमिट लगा दी, Q not tends to zero, फॉर्मूला वही रखा। तो उन्होंने कहा बेटर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जब भी आप बता रहे हो तो कैसे बताओ, फोर्स पर यूनिट चार्ज तो बताओ, आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फोर्स पर यूनिट चार्ज तो बताओ, लेकिन यहां लिमिट लगा दो, लिमिट Q not tends to zero, यानी कि जो ये Q not है वो जीरो के आसपास, यानी बहुत छोटा है। तो क्लियर हो गया, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, जो कि एकदम इन्होंने बेटर वे में बोला था कि हम और बेटर करेंगे, वो हो गया, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जो ई वेक्टर है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हम जानते हैं कि जब भी कोई क्वांटिटी वेक्टर होती है तो इसका साफ मीनिंग होता है कि उस क्वांटिटी का डायरेक्शन भी है। तो बात आती है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो बताओ उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा किसके, जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है जिस भी डायरेक्शन में। अगर मान लो कि चार्ज ये रहा Q, सोर्स चार्ज, ये आपका Q नॉट टेस्ट चार्ज है, अगर फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो अगर फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो इसका साफ मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी, जिधर फोर्स की होगी। यानी आपको किसी भी पॉइंट पर क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, क्या करो उस पॉइंट पर पता करो फोर्स की डायरेक्शन क्या है। फोर्स की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन इधर, फोर्स की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन इधर, फोर्स की डायरेक्शन उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन उधर। यानी कि जिधर फोर्स होगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में कौन होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो वही बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम।
whose direction is same as that of the force, whose direction is same as that of the force, यानी force के direction के same है, exerted on a positive test charge, जो भी positive test charge पर force लगी है, clear है, note करना हो, note down कर लो, वरना मुझे comment करके बता देना, मैं इनकी ना PDF आपको description में दे दूंगा, link दे दूंगा, सीधा आप note down कर सकते हो, तो ये आपकी choice है, साथ के साथ लिखना हो, साथ के साथ लिख लो, वरना comment में बता दो, कि सर इसकी PDF डाल दिया करो, तो वहां से आप सीधा नोट्स कॉपी कर सकते हो, क्लियर है मेरे भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, सो ई वेक्टर आल्सो वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। बहुत अच्छा पॉइंट आया, यानी कहने का मतलब है ये आपका क्यू है, ये क्या है आपका सोर्स चार्ज, ये है मेरे भाई आपका सोर्स चार्ज, अब ये एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है क्यू, ये एक पॉइंट है R। अब देखो होगा क्या, पहले रखा Q नॉट को इस पॉइंट पर, तो पता चला F फोर्स लगी, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है हाँ के ना, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका डायरेक्शन किधर है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है यानी ये डायरेक्शन, यानी E वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या हो गया, यही हो गया, फोर्स का डायरेक्शन भी इधर है, इधर फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर पता चला फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा जिधर फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, ऐसा क्यों बोला इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, क्योंकि हर फील्ड पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स अलग अलग होगी, तो समझ में आया, तो वही बोला द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जो क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज है जो कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है सोर्स चार्ज की वजह से, इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, वो फोर्स डिफरेंट होगी, इस पॉइंट पर कुछ अलग होगी, इस पॉइंट पर कुछ अलग होगी, इस पॉइंट पर कुछ अलग होगी, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, E also varies from point to point, यानी कि अगर फोर्स अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा अलग अलग होगा, तो यहां से क्या निकल के आया समझ में पॉइंट, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी एक पॉइंट की होती है, कितनी होती है फोर्स जो लगेगा, कब, जब इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज आएगा, तो इस पॉइंट पर जब टेस्ट चार्ज आएगा और उस टेस्ट चार्ज पर जितनी फोर्स लगेगी उसके अकॉर्डिंग निकलेगा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट बदल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया, क्यों बदल गया, क्योंकि फोर्स बदल गई, क्लियर है, पॉइंट बदलते जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, पॉइंट बदलो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा, बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, कोई डाउट, पक्का, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला भाई नोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, अगर मान लो आपको कैश चार्ज जो है ये क्यू नॉट सोर्स चार्ज है, इसके आसपास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ई वेक्टर की वैल्यू पता है ऑलरेडी किसी भी पॉइंट पर, भैया पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, तो कह रहा है वी कैन डिटरमाइन द फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, अगर हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता चल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाए, तो हम उस पॉइंट पर बता सकते हैं कि अगर यहां पर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को रखा गया तो कितनी फोर्स लगेगी, हाँ या ना, क्लियर है, क्या बता सकते हैं कि भैया ये पॉइंट है, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, यानी कि अगर आपने इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखा तो मैं बता दूंगा फोर्स कितनी लगेगी, क्लियर है, कैसे बता दोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू चार्ज अपॉन चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरस्टूड है कैसे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज था हाँ के ना, ये था कि नहीं था, अगर आपको फोर्स निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे एफ वेक्टर, क्लियर है कि नहीं, तो भैया यही तो लिखा है, कुछ अलग थोड़ी ना लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मल्टीप्लाई वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी एफ की बात हो रही है ये, तो एफ इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो देखो मल्टीप्लाई चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, चाहे से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लो, चाहे से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू ई वेक्टर मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट, क्लियर है कि अगर किसी पॉइंट पर आपको फोर्स निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आई थिंक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है, कमेंट करो, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरी यहां तक वीडियो देखकर आए हो तो इतना तो क्लियर है कि आपको कुछ तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कुछ तो वैल्यूएबल वीडियो लगी होगी, तो बस मेरी एक रिक्वेस्ट है ना, एक छोटा सा कमेंट करके जरूर जाना,
अगर अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दो, अगर बुरी लगी है तो कुछ फीडबैक वाला कमेंट कर दो, ना अच्छी लगी है ना बुरी लगी है तो कोई एक सजेशन दे सकते हो कि सर कुछ ऐसा करूं, समझ रहे हो ना। मोस्ट वेलकम है आपके सजेशंस। थैंक यू सो मच, विल देव इन नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।